subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. वक्त हो चला है निम की मुखिया की अपकमिंग डिटेल्स के बारे में आपको बताने का कि फाइनली या फिर कह लीजिए कि निम की और बब्बू का सफर अब हो गया है खत्म, क्योंकि निम की मर गई है। जी हाँ, शो में यही दिखाया गया है कि निमकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आसपास घर वाले रो रहे होते हैं। जब बब्बू अपना आपा खोकर हॉस्पिटल में ही मारपीट करने लग जाता है और साथ ही साथ मशीनों को तोड़ने लग जाएगा। अगर हम रीसेंट ट्रैक की ओर नज़र डालेंगे तो तेतर सिंह ने ये भी कह दिया कि विधायक की कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी की ज़िंदगी को दांव पे लगा सकता है और किसी के साथ भी कैसा भी खेला खेल सकता है। जहां डब्लू ने भी अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और कह दिया कि तू माँ बनने लायक है ही नहीं, और ये भी कह दिया कि अब मैं इस घर को छोड़ कर जा रहा हूँ। जहाँ नानो देवी लाचार बिस्तर पर लेटी हुई है, ना उसके आसपास कोई भी नहीं है, ना उसका पति और ना ही उसके बच्चे जो कि उसका ख्याल रखें। और बात आ जाए अपकमिंग की, तो हो गया है बहुत ही बड़ा ड्रामा शुरू और हो गई है निमकी की जान खतरे में, जहां डॉक्टर कह देंगे कि अब सॉरी। जी हाँ, यही शब्द सुनकर हवेली के लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन निमकी के चाहने वाले हो जाएंगे एक दूसरे से ही खफा। तो आगे क्या कुछ होगा शो निमकी मुखिया में, इसकी डिटेल्स ऐसे ही देते रहेंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।